सोशल मीडिया पर मीडिया कर्मियों से अभद्रता का वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। इसी मामले को लेकर यूनाइटेड प्रेस क्लब के सदस्यों ने पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता एवं एडिशनल एसपी प्रमोद सोनकर को महिला सूबेदार प्रतीक्षा चंदेल के खिलाफ शिकायती आवेदन सौंपते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। मामला उज्जैन जिले का है, जहां सिंथेटिक फैक्ट्री पर खड़ी महिला सूबेदार ने अवैध रूप से बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले श्रद्धालु को 500 रुपए की रसीद काट कर उगाही कर रही थी। उक्त मामले में मीडिया द्वारा मैडम से जानकारी मांगना चाहिए तो मैडम को गुस्सा सातवां आसमान पर था। अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए पत्रकारों से बदसुलूकी करने लगी एवं पत्रकारों को यातायात थाने ले पहुंची। उक्त मामले में महिला पुलिसकर्मी प्रतीक्षा चंदेल के खिलाफ यूनाइटेड प्रेस क्लब के सदस्यों ने शिकायत पत्र देकर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। खैर, अब देखना होगा कि खबर लगने के बाद राजनीति संरक्षण प्राप्त अड़ियल पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेती है, यह देखने वाली बात होगी। सर, पुलिस द्वारा जगह जगह चेक पॉइंट लगा के और अवैध वसूली की जा रही है और पत्रकारों से अभद्रता भी की गई है, तो इस संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और क्या रहेगा प्रभाव? अभी एक आवेदन पत्र दिया गया है, उसके माध्यम से ये बात बताई गई है और उसको जो है DSP ट्रैफिक साहब को जाँच के लिए दिया गया है और जांच करने में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बिना रसीद काटे और 500 रुपए ले लिए गए, इस संबंध में सर कैसी कार्रवाई की जाएगी? जांच के तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।